प्रो गैंग, आज मैं तुम लोग को इस दुनिया की इवोल्यूशन के बारे में बताने वाला और कैसे हुई ये दुनिया शुरू सब बताऊंगा। वेल, मेरी लाइफ तब स्टार्ट हुई जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। ओह माय गॉड, और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए और उससे बेचारे डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया बेचारे। तो उसके 6.5 करोड़ साल बाद हुआ अपना एवोल्यूशन स्टार्ट और आज से 32 लाख ईयर्स पहले धरती का पहला ह्यूमन बीन एडम का जन्म हुआ। अबे यार, कब से ट्राई करो मूवी नहीं हो रहा यार, क्या घटिया है यार ये फालतू। अरे क्या कर रहा है प्रो बॉयज, छोड़ना ये सब, चल शिकार करने जाते हैं। अरे यार बड़ी मूवी नहीं हो रहा, देखना इतना मुश्किल से बनाया। अरे क्या कर रहा है, छोड़ना, मछली वछली मारते हैं, चलना मजा आएगा यार, टेस्टी खाना। अरे चल ठीक है, आजा। कम कम कम, लेट्स गो। आहा, तो सुअर तल के खाऊंगा। मार मार मैं इसको, मारेगा मजा आएगा। पीछे पीछे देख प्रो बॉयज, मैं मत पड़ा पीछे। अबे छोड़ना, मैं तो पिक को खाऊंगा। चले ठीक है, थोड़ा साइड में पत्थर मारना, ठीक है ना। यस, चिल डिस्ट्रैक्ट। अरे ये क्या जादू हुआ कुछ तो वहां पे, देखा तूने, कुछ तो कलर निकला। पता नहीं यार, मैं चूक गया। अच्छा ठीक है, वो छोड़, अभी काम कर, एकदम दूर पत्थर फेंक, ठीक है ना, एकदम दूर। ठीक है, एकदम खतरनाक पत्थर, बड़ा पत्थर फेंकूंगा। ओके ओके, यस यस। अबे इसको नहीं मार सकता। अबे नूबड़े, नहीं भाई, क्या कर दिया मैंने। ओके चलो यार, फाइनली आ गए, बच गए भाई, पूरा मेहमत पीछे पड़ गया था। हाँ यार, चल चल अभी तू इधर आ, अंदर आ। और मैंने कुछ तो देखा था यार, क्या पत्थर मैंने उसके ऊपर मारा था ना, कुछ तो जादू निकला था अंदर से। अरे कुछ नहीं था, अरे रहा तेरा क्या यार, चला चिकन खाते, आई मीन पिक खाते। सुनने, मैं तो ट्राई करूंगा, रुक जा, ये देख, संभाल के। ये रुक जा, डर मत। प्रो बॉयज ये क्या है, पता नहीं क्या है, दुख रहा है, क्या करूं मैं। चमड़ी खा। ओ बच गया मैं, समझ जाओ उसके पास। अरे यार क्या ही? लगता है इसको कुछ खाने को देना पड़ेगा ये जानवर को। हाँ यार, बहुत गुस्से में लग रहा है। एक काम करो, सुअर दे दे। सुअर मेरा सुअर है, पर देना तो पड़ेगा ना यार, वो मार देगा वरना। ठीक है भाई, ये ले पिग, ले खा इसको। वे खा नहीं रखे ये, ये जानवर बड़ा हो रहा है। जानवर देख के क्या हो रहा है जानवर को। अबे नहीं यार, प्रो बॉयज बच के, क्या पता ये हमको निकल जाए। वही ना, बरसात हो रही है। जानवर ये क्या है, ये पानी में मर गया। एक मिनट, सुअर को क्या हो गया, काला हो गया। व्हाट, काला सुअर, ये क्या हो गया इसको, जानवर ने इसको काबू कर लिया है। महिला बड़ी है क्या, ये क्या मिला, क्या ये पता नहीं, ये क्या, खा के देख, ये तो खाना लग रहा है मेरे को। ओ क्या टेस्टी है, और इस तरह से इन लोग ने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था। चल प्रो बॉयज, लकड़ियां कलेक्ट करके ला जंगलों से, मुझे घर बनाना है। अच्छा ठीक है, तू भी तो कभी कभी जा। अरे जाना, चलना है। ठीक है यार, काट प्रभु, लकड़ियाँ काट। एक तो यार इतना भारी है ये, काश मेरे पास ऐसी चीज होती जिससे कि वजन ना उठाना पड़े और मैं आराम से इनको अपने घर पे लेके जाऊँ। वो एक मिनट, व्हाट, ये वहां से यहाँ पे आ गया। ओ कुछ तो समझा मैं। अच्छा, मैं जो चीज बनाने की कोशिश कर रहा था वो इसलिए नहीं हिल रहा था क्योंकि उसका आकार सही नहीं था, मुझे उसको ये वाले आकार में बनाना होगा ताकि वो चल सके, तब जाके मेरी चलने वाली चीज चल पाएगी। चलो लेट्स गो, मजा आ गया, जंकी को बताऊंगा। ऑलराइट, फाइनली बन गया, यस। प्रो बॉयज क्या बना रहे, क्या है, मैं तो चुपना। बीरबल, कितनी ठंड बढ़ गई है ना। हाँ सही कह रहे हो। हाँ जापना, आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है, ऐसे ठंड में तो लोग बाहर निकल के काम भी करना नहीं चाहेंगे। हाँ तानसेन, तुम सही बोल रहे हो, इतनी ठंड में कौन निकलना चाहेगा, है ना बिरबल। नहीं जा पाना, मुझे ऐसा नहीं लगता।
बिरबल, तुम हमेशा सबसे अलग की सोचते हो। क्या तुम इतनी ठंड में बाहर निकलोगे कभी? चापना, आपके राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हालात के वजह से थोड़े से पैसे कमाने के लिए बाहर तो क्या, इस ठंड में तालाब में जाने के लिए भी तैयार है। ठीक है बिरबल, क्या तुम ऐसे आदमी को लेके आ सकते हो जो रात भर इस बर्फीले तालाब में रात गुजार सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं उसे 80 सोने की मुद्राएं दूंगा। कितना ठंडा पानी है। बहुत ठंडा है ये तो। ठीक है जापना, इतने कम रकम के लिए भी कोई ना कोई तो जरूर मान ही जाएगा, कोई जरूरतमंद, समझा? जापना, अगर आपकी सहमत हो तो क्या मैं उस व्यक्ति को बुलाऊं जिसके बारे में हम लोग उस सुबह बात कर रहे थे? पेश किया जाए उसे। ठीक है, कमलेश को बुलाया जाए। कमलेश हाजिर हो। आदाब जापना, आदाब। हाँ ठीक है ठीक है, क्या बिरबल ने समझा दिया तुम्हें तुम्हें क्या करना है? हाँ जापना, मुझे आपके बगीचे वाले तालाब में रात भर खड़े होना है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम रात भर तालाब में खड़े रहने के बाद अपनी जान गंवा भी सकते हो? हाँ जापना, मुझे पता है कि उस तालाब का पानी बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे उस मुद्राओं की जरूरत है। तो ठीक है, आज रात भर तुम तालाब में खड़े रहोगे और तुम पर निगरानी रखी जाएगी, तुम्हारे साथ दो सिपाही तैनात रहेंगे। ठीक है कमलेश, तुम जा सकते हो। जहाँ पाने की जय हो, जहाँ पाने की जय हो। ठीक है जाओ। कमलेश हाजिर हो। आइए आइए कमलेश। आइए कमलेश, कैसी रही तुम्हारी रात, मजा आया? हुजूर, आसान तो नहीं था, लेकिन ऊपर वाला की दुआ से रात कट गई। ये हुई ना बात, मैंने कहा था ना आपसे। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये कह रहे हो कि तुम सारी रात उस तालाब में खड़े थे। सिपाही, क्या सच बोल रहा है? सिपाही बताओ। जी जापना, ये सब सच है। हमें विश्वास नहीं होता, तुमने आखिर रात बिताने के लिए क्या किया, वो भी इतने ठंडे पानी में। क्या कहूँ जापना, ये मेरे लिए आसान तो नहीं था। तालाब के अंदर जाते ही मैं ठंड से पूरा अकड़ गया था, परंतु तालाब के बाहर रखे गए दियों को देखते देखते और भगवान का नाम लेते लेते कैसे रात बीती मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा तो ये राज है, तुम्हें उस दिए से जरूर गर्मी मिली होगी इसलिए तुम रात भर उस तालाब में खड़े रह पाए। हम जानते थे, नहीं तो ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन था। क्या कह रहे हो जापना, गद्दारी करता है? और जापना, ये सब सच नहीं है, मुझे उस दिए से गर्मी नहीं मिल रही थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, गद्दारी कर बे। वैसे तो ये बहुत मुश्किल था, इसलिए तुम्हें सजा नहीं देंगे, तुम जा सकते हो, बट इनाम के अशरफियों के बारे में भूल जाओ। सिपाही, दरबार के बाहर ले जाओ इस व्यक्ति को। बीरबल, इस बार तुम्हारी हार हुई। जापना, मैं माफी चाहूंगा। हाँ, झुक के बात करने का। मैं आपके खिलाफ जाने की कोशिश की। कोई बात नहीं बीरबल, चलो आज भोजन का आयोजन है, आना चाहोगे? नहीं हुजूर, मेरे घर में कुछ तो घरेलू परेशानी है, इस वजह से मैं घर जाने की अनुमति लेना चाहूंगा, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है बीरबल, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी आना। आपका शुक्रिया अकबर महाराज। बीरबल अब तक क्यों नहीं आए, किसको पता है? बीरबल तो बोल रहे थे कि वो दोपहर तक आ जाएंगे, क्या हो गया? जापना, मैंने कुछ लोगों को भेजा था उन्हें देखने के लिए, लेकिन बीरबल ने कहा कि भोजन अभी पका नहीं है, इसलिए वो भोजन करके ही आएंगे। क्या? लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इस बात को 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक उनका खाना पका नहीं। अरे बीरबल को तो वक्त की अहमियत पता है, आज क्या हो गया उनको, लगता है मुझे जाके देखना पड़ेगा। जापना, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ आना चाहेंगे। ठीक है, तुम आ सकते हो, चलो मेरे साथ। बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? आइए आइए जापना, आइए, ये मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, बट कब से ये पकी नहीं रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? वही तो, देखो कब से पका रहा हूँ, 3 घंटे हो गए पक नहीं रही है। क्या हो गया बीरबल, तुम्हारा खोपड़ा उड़ गया क्या, कहाँ गया तुम्हारा दिमाग? अरे तुमने इतने ऊपर खिचड़ी लगाई है मटके में तो उसको गर्मी कैसे मिलेगी क्या बीरबल? अरे क्यों नहीं मिलेगी गर्मी इतने दूर से,
जब उस बंदे को एक दिए से गर्मी मिल सकती है पूरी रात, तो ये खिचड़ी को क्यों नहीं पक क्यों नहीं रही है? अच्छा बीरबल, समझा मैं तुमने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, माफ करो, तुम जीते। आया ना अभी लाइन पे। चलो, मुझे अच्छा लगा आप समझ गए। यहाँ तांतिन भाई, मुझे माफ करना कमलेश, मैं गलत था। इसकी वजह से तुम्हें 80 के जगह 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। क्या बात है, जापना की जय हो, जापना की जय हो, बीरबल जापना की जय। आखिर आप जीत ही गए। वो तो मैं बचपन से जीतता आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपके एक बात से बहुत खुश हुआ कि आपने समस्या का समाधान खोज निकाला। ये क्या? ये तो गोला बारूद है। What? तो दूसरी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जर्मन पर लगभग 31 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा था। इससे पूरी जर्मन की इकोनॉमी तबाह हो गई थी और महंगाई ने आसमान छू ली थी। रोजगार की भी कमी बढ़ गई थी। एंड इस बीच एक नया फरिश्ता उभरता है जर्मनी में। हम सब ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा है जो हर मुसीबत को पार कर सकता है। आज मैं ये कहने आया हूँ कि हम फिर से खड़े होंगे और हम अपने देश को एक नई रोशनी देंगे। हमारे हौसले बुलंद है और हम एक नई कल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, अपने लोगों को फिर से इज्जत और सम्मान दिलाना। हम मिलकर ये मुश्किल पार करेंगे और हम फिर से ऊंचाइयों को छू कर दिखाएंगे। सुनो दोस्तों, मुझे ये सारे के सारे कंट्री में कंट्रोल चाहिए। हमला हमला कर दो साथियों, एक एक को भून के रख दो, दिखा दो अपनी औकात। इस तरह हिटलर ने सारे देशों को अपने कंट्रोल में ले लिया। हिटलर अभी खुद को इस दुनिया का राजा मानने लगता है एंड उसका नेक्स्ट टारगेट होता है ब्रिटेन। अब बारी है ब्रिटेन की। जाओ सारे के सारे एयरप्लेन और टैंकर रेडी करो। सर अडॉल्फ, अडॉल्फ सर, हम जहाँ पे अटैक करने वाले हैं तो कोई लैंड रोड ही नहीं है, तो हम लोग अटैक कैसे करेंगे सर? तो क्या हुआ, वैसे अभी उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं है। तुम लोग एयरप्लेन से अटैक करके सबको खत्म कर दो। यस, जोश दिखाओ। एयरप्लेन से अटैक किए जाते इन कुछ शहरों में बॉम्ब भी गिराते, लेकिन फिर भी वो हार जाते। अडॉल्फ हिटलर सर, क्या हो गया? हम ब्रिटेन की वॉर में हार चुके हैं। क्या? हाँ सर, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था ब्रिटेन पर अटैक करने का। मेरा तो कुछ और ही प्लान है, जिससे ब्रिटेन खुद आके घुटने टेकेगी हमारे सामने। इस बार हिटलर अटैक करता है सोवियत यूनियन पर और धीरे धीरे सोवियत यूनियन की काफी जमीन हड़प लेता है। साथियों, हमने आधे से ज्यादा सोवियत यूनियन को हड़प लिया है। और जीत उनकी होती है, पर एक दिन अचानक से जर्मन पर चारों तरफ से अटैक चालू हो जाते हैं। सर सर, हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है। क्या, उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है? हमारे आधे से ज्यादा जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो क्या हुआ, जाओ सोल्जर सारे के सारे रेडी हो जाओ। ऐसे ऐसे खड़े रह के मुंह देख के क्या होगा, जाओ धुलाई कर दो उन सबकी। सर हम लोग वॉर हार गए। क्या, निकल जाओ मेरे कमरे से। लेकिन सर। निकलो। जी सर। What man? ये कैसा सपना है? इसने तुम्हें शादी में गोली मारी? What? अबे यार डर डर लग गया भाई। ए मम्मी, भूख लगा है मॉम। आज खाने में क्या बना है? आज खाने में पनीर की सब्जी और रोटी बनी है। ये क्या बात हुई मॉम? खाओगे ना? Big yikes मॉम, छी। चुपचाप खा ले ये पनीर की सब्जियाँ। Big yikes मॉम, big yikes। कौन खाता है ये? अरे खा लो यार, टेस्टी है। चुपचाप मेरे लिए मोजिटो और पिज्जा मेरे रूम में भेज देना, ठीक है? ये खा लो, आप ही खा लो ये। साले। ओह, ये बंदा क्या कर रहा है, कपड़े बदल रहा है? क्या मस्त ट्रेंड है यार, अब तो मेरे को भी बनाना पड़ेगा एक वीडियो। Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to do get ready with me video. चलो लाखों छापूंगा। अरे बे, अरे बेटे ये क्या? अरे बेटे ये क्या कर रहे हो तुम? चाहिए आप?
शोम नहीं आती क्या? जाइए जाना। क्या कर क्या रहा है तू यहाँ पे ऐसे बिना कपड़ों के? शर्म आती है। अपनी बकवास साइड में रखो, पहले मेरे को कपड़े पहनने दे। पागल हो गया क्या? अरे ड्रेड, मैं गेट रेडी विद मी टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, लाखों छापूंगा मैं उसमें। कैसा ऑडियंस को है ना, स्टार्टिंग से पूरा कपड़े पहनते हुए दिखाना होता है। ऐसा कौन सा ट्रेंड है जिसमें से कपड़े उतारना पड़ता है? डेड यार, चिल आउट डेड। हमारे जमाने में ऐसे कपड़े कौन पहनता था पता है? रास्ते में जो भिखारी रहता ना, वो ऐसे पहनते थे कपड़े। अरे यार ऐसे ऐसे बेइज्जती मत करो मेरी, इतने अच्छे कपड़े देखो पीछे से मस्त हवा आती है। राम राम राम, ऐसा लगता बिल्ली ने फाड़ के दिया यार। अरे क्या यार डैड, आप तो एक नंबर के एल निकले। गाली देता है बाप को, गाली देता है। क्या एल क्या लगा के रखा है डैड? एल कोई गाली नहीं है, एल मतलब लूजर होता है। अपने बाप को लूजर बोलता है तो शर्म नहीं आती तेरे को? बाप को लूजर बोलता है? मारो मत ना, आप मार दिए डैड। मैं आप गलत समझ रहे हो, मैंने लूजर नहीं बोला आपको, मैं तो बस आपको कह रहा था कि अब एक नंबर के एल हो। जा जा के नौकरी ढूंढ, मेरा घर से निकल जा। क्या नाले बैठा पाल के रखा मैंने, भगवान सुनती हो क्या? ठीक है जेट, जाओ मैं। ये कैसा डोर है यार, पागल है पापा भी। ए प्रभा, पागल है क्या? क्या हो गया हुआ है? क्या पापा ने डांटा क्या? धुआं निकाल दे मुझे। चल स्कूटर में चलते, चल मूड फ्रेश करते, चला जा। नहीं मैं वो नहीं चलना तेरे स्कूटर में, खटारा छी देख क्या है वो, जंग लग गया पूरा। अरे बाबा स्कूटर में बैठ तो मजा आएगा, चल फन राइड करेंगे, आ जा। मुझे नहीं फन करना, नहीं राइड करना है। आजा निकल फिर, चल आजा। फूट आना नहीं है, रुक जाऊंगा, मजाक कर रहा था यार मैं। आऊंगा ना। अरे यू क्या कर रहे भैया, बास कहां से आए हो बे? कुछ कुछ पादा है, खाया क्या तूने कुछ? गुड़गुड़ हो रहा है मेरे पेट में। और खाओ मोमोज, हो गया ना मोए मोए पेट में। क्या बाबा तेरे जेली से हरकतें करता रहता, मारू क्या? मोए मोए के कीड़े, क्या है मोए मोए? अबे इतना हाइपर क्यों हो रहा है? एल है क्या? चुप छोड़ो भाई, देखो छोड़ दे भाई, से पागल हो गया। अरे जंगी वो देख, जंगी व्हाट, क्या खतरनाक गाड़ी है रे बाबा। ब्रो इंसेन यार, आ जा फूड लेते ब्रो, कैमरा पड़ा है मेरे पास, ले ले फोटो ले फोटो ले मैम। आए चल चल चल, एक दो तीन, अरे रुकना, क्या कर रहा है? पांच, क्या है बे? थोड़ा स्लो कर, इतना का फटाफट पोज दे रहा है, हर एक सेकंड में पोज बदलता है भाई। वैरायटी होनी चाहिए ब्रो, एक पोज से काम नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम में जलाना भी तो है दोस्तों का। यार जलाता है सिर्फ सबको, एंजॉय भी कर कुछ। क्या ऐसी हरकत कर रहा है, जेन वाई से है क्या? जेन वाई क्या होता है? अभी जेंजी से पहले वाला जनरेशन जेन वाई। तुम्हें मारूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप खड़ा होकर पोज ले अच्छे से। दो तीन, अरे मारता क्या ब्रो, चिल मार यार। अभी क्लाश बोला, बस मुझे क्लाश को जाता नहीं, बस पांच छह और ले लूं। ठीक है, एक काम करते प्रभास, यहाँ पे साइड लेते हैं, पेट्रोल भरना है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। पेट्रोल वाला कहाँ पे है? ओ सर कैसे हो, पेट्रोल भरो यार। भाई जल्दी तेल डालो अंदर। हाँ ठीक है भाई, लोग 60 रुपए हो गया कैश। हाँ कैश मांगता है फुल। ठीक रुको रुको, मैं जीपे है ना मेरे पास, जीपे करता हूँ मैं। ये लो कर दिए 100 रुपए, 40 रुपए लाओ भाया। हाँ 100 रुपए क्यों किए तूने? 40 रुपए लाओ। अरे कीड़े क्या है बे? अरे 100 रुपए के 60 रुपए देता ना जीपे से। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जीपे कर रहा है छुट्टा बाईपास करवाता है। अरे मार कर ही मैच। वेलकम एवरीवन टू एप ऑफ 2224 व्हेन टेक्नोलॉजी टर्न्स ड्रीम टू रियलिटी। वो देख जेमिनी, वो है हम लोगों का असली घर अर्थ। मुझे अब भी याद है, मेरी दादी मुझे हमेशा पृथ्वी के बारे में कहानियां सुनाई करती थी। ये देख मेरी यादें, इसकी हरियाली, इसकी खूबसूरती, इसकी हवा, काश मैं भी ये सब असल में महसूस कर पाता। Do you wish to go there? हाँ मुझे मन करता है कि मैं भी अर्थ की मिट्टी पर चलूं, मैं इसकी हवाओं को महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये अर्थ पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है, और वो भी हमारी वजह से। Don't worry, humans have a saying, where there is a desire, there is hope. Maybe one day we will head back to your earth. Paresh beta, khana khane aa jao. Haan mummy aa raha. Thanks Gemini, tune mera dukh samjha, meri man ki baat samjhi. Chal main abhi khana kha ke aata hu. Tu sambhalna, theek hai na? Bye. We made you suffer a lot. Still until your last breath, you took care of us. We should have treated you the way you deserved.
After all, thanks for all the things you have done for us, Mother Earth.